हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। ये आपकी सेकंड यूनिट में सेकंड चैप्टर, उसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं, जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखिए, जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिकर्ट है वो रैंसिस लिकर्ट ने दिया है। रैंसिस लिकर्ट ने 30 साल तक लीडरशिप स्टाइल पर स्टडी की है। ठीक है, और उसके बेस पर उन्होंने इसके 4 मॉडल दिए हैं। एक उन्होंने दिया एक्सप्लोरेटिव, अथॉरिटेटिव, बेनेवोलेंट, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है आपका एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटेटिव, सोचनात्मक बोलते हैं इसको। इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि इस मॉडल में लीडर ने क्या किया, थ्रेट्स एंड पनिशमेंट का यूज़ किया है। वो ये कहता है कि एम्प्लॉयज काम नहीं करना चाहता, उनको डरा धमका कर ही काम करवाया जा सकता है। इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ ऊपर से नीचे ऑर्डर दिया जाता है। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कुछ नहीं सुनी जाती, डिसीजन भी केवल कौन लेता है, लीडर लेता है। जिस तरह ऑटोक्रेटिक था उसी तरह ये आपका है। ठीक है, देन सेकंड है आपका बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट में क्या होगा आपका, दो इसमें इसमें तो थ्रेट्स एंड पनिशमेंट का यूज़ किया, इसमें कैरेट एंड स्टिक का, ये दोनों लगभग सेम ही है। जिस तरह इसमें भी क्या होता है, जो लीडर होता है वो ताना चाहता है, किसी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी चलाता है, एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देता रहता है, एम्प्लॉयज़ सारा काम खुद करेंगे। तो इसमें भी यही है, बस इसमें क्या है, इसमें थ्रेट एंड पनिशमेंट, हमेशा डरा धमका कर पनिशमेंट देकर काम कराते हैं। इसमें कैरेट एंड स्टिक अपना जाता है। सिंपल सा ये है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्राइज़ दिया जाएगा, और अगर काम नहीं कर रहा है देन उसको धमकाया जाएगा। तो इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। देन थर्ड आते हैं आपकी कंसल्टेटिव। इसमें देखो वन वे कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन दोनों में वन वे होगा, सिर्फ ऑर्डर मिलेंगे, हम कंप्लेंट वगैरह नहीं कर सकते। कंसल्टेटिव इनसे थोड़ी बेटर है, इनमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है, यानी कंज्यूमर भी अपनी कंप्लेंट्स वगैरह दे सकता है। ठीक है, कंज्यूमर बता सकता है, और इसमें कैट यानी इसमें हम प्राइस का यूज़ करते हैं कंज्यूमर को मोटिवेट, सॉरी कंज्यूमर नहीं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, देन थर्ड है पार्टिसिपेटिव, वो तो आपकी बेटर है ही। इसमें तो क्या है, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा जाता है, उनके बारे में सुना जाता है, उनकी कंप्लेन सुनी जाती है, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, उन्हें क्या समस्याएँ हैं उनको सॉल्व करने के प्रयास किया जाता है। तो वो सारा आपका किस्में आएगा पार्टिसिपेशन में, डिसीजन वगैरह में भी उनकी एडवाइस ली जाती है। जिस तरह ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लीडरशिप की स्टाइल थी ना, वही है, बस थोड़ा सा नेम अलग करके डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, टेस्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि आप मैनेजमेंट का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो टेस्ट करते हैं वो परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर करते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस में हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो ले सकते हैं, कितने एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं उसके बेस पर टेस्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म रेशियो काउंट कर सकते हैं, क्वालिटी देखकर रिसोर्सेज का कितना वेस्टेज हो रहा है, कितना स्क्रैप हमारे पास बचा हुआ है, तो इन चीज़ों को देखकर भी हम चेकआउट कर सकते हैं। और मेनली इसमें बस यही बताना है टेस्ट में कि जो हमने मैनेजमेंट सिस्टम के जो ये अभी मॉडल पढ़े हैं इनमें से कौन सा बेटर है। तो देखने से लगता है कि पहला तो बिल्कुल बेटर नहीं है, क्योंकि इसमें हम एम्प्लॉयज़ के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेकंड में भी नहीं दे रहे। जो थर्ड और फोर्थ है वो आपका बेटर है, और मेन देखा जाए तो फोर्थ है, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग में सब लीडर सभी की सुनता है। और मैंने आपको पहले बताया कि आज का टाइम ऐसा है कि बिजनेस में हमें सबकी सुननी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की भी सुननी चाहिए। अगर हम एम्प्लॉयज़ की तरफ ध्यान नहीं देते तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, बिजनेस में लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। देन कल देखेंगे थर्ड यूनिट का चैप्टर। ठीक, ओके, थैंक यू।